इसराइल पर हमास का हमला अचानक नहीं हुआ है, इसकी तैयारी लंबे वक्त से चल रही थी। इसका एपिसेंटर गाजा पट्टी है, लेकिन माना जा रहा है कि इस युद्ध की रणनीति क्रेमलिन में तैयार की गई है। यूक्रेन युद्ध शुरू होते ही अमेरिका उसके समर्थन में उतर गया और इसके बाद पुतिन ने धरती के अलग अलग हिस्सों में अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ रणनीतियां बनानी शुरू कर दी। 7 अक्टूबर की सुबह इसराइल पर जो हमले किए गए उनकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। सितंबर 2022 से ही इसराइल पर हमले की तैयारी शुरू कर दी गई थी। देखिए इसराइल पर हमास ने किस अंदाज में हमले किए और कैसे रणनीतिकार पुतिन ने अमेरिका को उलझाने के लिए ये युद्ध शुरू कराया। इसराइल पर इससे पहले हमास ने इतना बड़ा हमला नहीं किया। सात अक्टूबर की सुबह हुई और गाजा पट्टी से रॉकेट धुएं का गुबार छोड़ते हुए इसराइल की सीमा में दाखिल होने लगे। इसराइल द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठन हमास ने ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाने शुरू कर दिए। इसराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम रॉकेट की इतनी बड़ी बरसात को पूरी तरह नहीं रोक पाया और इसराइल की धरती आग की लपटों से घिर गई। रॉकेट की बरसात के साथ ही हमास के हथियारबंद लड़ाके इसराइल का सबसे सुरक्षित बॉर्डर तोड़कर शहरों पर हमले करने के लिए घुस गए। इसराइल के कई शहरों में हमास के सैन्य वाहन घूमते नजर आने लगे। गोलियों की आवाज से दक्षिणी इसराइल में आतंक फैल गया। इसराइल पर हमला करने वाले हमास संगठन ने बयान जारी किया कि ये हमास का अलग सा फ्लड ऑपरेशन है, ये इसराइल से अलग सा अत्याचार का बदला लिया जा रहा है। हमास ने इसराइल के अंदर घुसपैठ के लिए मोटराइज्ड पैराग्लाइडर का भी इस्तेमाल किया। इन पैराग्लाइडर पर सवार होकर हमास के हथियारबंद लड़ाकों ने उड़ान भरी और इसराइल के ऊंचे बॉर्डर को लांघते हुए अंदर लैंड करने लगे। इसराइल में लैंड करते ही हमास ने गोलीबारी का तूफान चालू कर दिया।
हमास के आतंकियों ने इसराइल के टैंक तक पर कब्जा कर लिया। हमास के हथियारबंद आतंकियों ने टैंक दस्ते के एक जवान को घसीटकर बाहर निकाला और हत्या कर दी। हमास के आतंकियों ने रिहायशी इलाकों में घुसकर महिलाओं को बंधक बना लिया और उन पर अत्याचार किए। हमास ने प्रचंड प्रहार करते हुए इसराइल के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। दोपहर होते होते इसराइल बारूद, आग, धुएं और गुबार से घिर गया। हमास ने दक्षिणी इसराइल के अराद, अशदोद, अश्कलोन, बेशरबा, डेबोना शहरों पर हमले किए और उत्तरी इसराइल के शहर शाफेद, एकरी, नासरत, आफुला और नहरिया पर हमला करके बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। हमास इसराइल पर हमले करता रहता है, लेकिन अब तक इतने प्रचंड और बड़े हमले कभी नहीं किए गए थे। इन हमलों को एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह डिजाइन किया गया और एक के बाद एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हमास ने पहली बार प्रोफेशनल आर्मी की तरह इसराइल पर हमला किया है। सबसे पहले हमास ने इसराइल पर रॉकेट लॉन्च किए। कुल 7,000 रॉकेट हमलों की रिपोर्ट सामने आई। इतनी बड़ी तादाद में रॉकेट हमलों से डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। इसराइल के कई शहरों में बर्बादी बरसने लगी। इसके बाद बॉर्डर पर बनाए गए सिक्योरिटी सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया। सबसे पहले बॉर्डर फेंसिंग तोड़ी गई और इसके बाद हमास के वाहन इसराइल में घुसपैठ करने लगे। इन घुसपैठ करने वाले हमलावरों ने कई शहरों पर एक साथ हमला बोल दिया। इसके साथ ही मोटराइज्ड पैराग्लाइडर का इस्तेमाल करके हमास के आतंकी इसराइल में दाखिल हो गए। इन्होंने पैरा ट्रूपर्स की तरह इसराइल के अलग अलग शहरों में लैंडिंग की। लैंडिंग के बाद शहरों पर हमले इनके द्वारा शुरू कर दिए गए। बता दें आपको कि इन्होंने किस तरीके से पूरा हमला किया। इन्होंने पैरा ट्रूपर्स की तरह इसराइल के अलग अलग शहरों में लैंडिंग की। लैंडिंग के बाद शहरों पर हमले इनकी तरफ से शुरू कर दिए गए। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि क्या तरीका इनकी तरफ से अपनाया गया, हमास की आर्मी ने किस तरीके से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। इन ग्राफिक्स की मदद से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं लैंडिंग के लिए क्या तरीके अपनाए गए। नभ और थल के साथ साथ जल से भी इनकी तरफ से हमले किए गए और ये भी हम ग्राफिक्स की मदद से आपको समझा रहे हैं। हमास ने समंदर में छोटी नावों का इस्तेमाल करके इजरायली कोस्ट गार्ड पर हमले किए। हमलों से इतना साफ है कि इसराइल के पूरे सुरक्षा सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए लंबे समय तक सिस्टम को समझा गया, रेकी की गई और फिर हमले किए गए। हमास के आतंकियों के हमलों का स्टाइल ये दिखाता है कि हमास को हमले के लिए प्रोफेशनल आर्मी से ट्रेनिंग मिली है। हमास के आतंकियों को आर्मी की तरह ऑपरेशन डिजाइन करना सिखाया गया है।
हमास को बड़े पैमाने पर रॉकेट सप्लाई की गई है। हमास को बड़े पैमाने पर गोला बारूद दिया गया है। इसराइल से मुकाबले के लिए हमास के आतंकियों को हैंड टू हैंड फाइट भी सिखाई गई है। इसराइल पर इतने बड़े हमले हुए, लेकिन इसराइल इंटेलिजेंस को इसकी भनक तक नहीं लगी। सवाल ये भी है कि हमास पर इतनी बड़ी तादाद में रॉकेट आए कहां से। माना यह जा रहा है कि इसराइल पर हमलों के लिए हथियार ईरान से सप्लाई किए गए थे। खुफिया खबर है कि रूस के इशारे पर ईरान ने इसराइल पर हमले का बंदोबस्त किया। इस बात को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता कि इस हमले के मास्टरमाइंड पुतिन हैं और प्रायोजक ईरान। क्योंकि यूक्रेन को मदद के बदले पुतिन यूएस को सबक सिखाना चाहते हैं। यूएस को झटका देने के लिए सहयोगी इसराइल पर हमला किया गया। इसराइल पर हमले को रूस यूक्रेन जंग का विस्तार माना जा रहा है। सुपर प्राइम टाइम में टीवी 9 भारतवर्ष ने अपने दर्शकों को बताया था कि इस जंग का विस्तार अब तय है और इसका एपिसेंटर एशिया या अरब बन सकता है। इसके बाद इसराइल पर हमास के हमले शुरू हो गए और जिस दिन हमले शुरू किए गए उस दिन का भी खास महत्व है। हमले के लिए दिन चुना गया 7 अक्टूबर और इसके पीछे भी सोची समझी रणनीति है। सात अक्टूबर को व्लादिमीर पुतिन का जन्मदिन होता है। इस दिन अमेरिका के सहयोग से यूक्रेन का रूसी सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले करने का प्लान था। 7 अक्टूबर को पुतिन ने प्रतिघात करके अमेरिका को चौंका दिया। इससे पहले भी इसराइल पर 7 अक्टूबर 1973 को ही बड़ा हमला हुआ था। इसराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर 1973 को योम किप्पूर के दिन इसराइल के खिलाफ युद्ध शुरू हुआ था। अरब फोर्सेस ने 7 अक्टूबर 1973 को इसराइल पर हमला किया था। का युद्ध 25 अक्टूबर तक चला था, लेकिन इस हमले से छिड़ा इसराइल हमास का युद्ध विश्व युद्ध की चिंगारी बन सकता है, क्योंकि ऐसे कई संकेत हैं कि ये रूस और ईरान का षड्यंत्र है।